नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पिछले दिनों राजेंद्र नगर थाने के सामने एटीएम पर पैसे निकालने के बाद दो लुटेरों में एक युवक के साथ मारपीट कर चेन लूट कर फरार हो गए। उस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के एबी रोड का है। थाने के ठीक सामने बने एटीएम पर एक युवक पैसे निकाल कर बाहर निकला और बाहर खड़े लुटेरों ने युवक पर हमला कर उसकी चेन लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस को मिली शिकायत के आधार पर पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने भीम नगर से दो लुटेरों जट्टा और वीरेंद्र निवासी भीम नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज है और नशे के आदि हैं आरोपी। ये परसों एक व्यक्ति जो थाने के सामने बैंक एटीएम से पैसे निकाल के ला रहे थे, तो ये दो व्यक्तियों ने उनसे चेन की लूट की थी। उनमें से दोनों बालिक हैं, एक का नाम जट्टा है, एक का नाम वीरेंद्र। कहाँ से गिरफ्तार हुए? इनको भीम नगर से गिरफ्तार किया है। तो इसके कोई पुराने अपराध? हाँ, इनके दोनों के पुराने अपराध है, एक चोरी का है, मारपीट का। इनसे चेन वगैरह जो लूटी थी वो बरामद? हाँ, चेन का आधी चेन इन्हीं के पास थी, आधी चेन फरियादी के पास थी, तो वो इनसे बरामद आधी चेन कर। नशे के आदि में इस चक्कर में? हाँ, नशा ये पाउडर वाउडर के आदि। आपका परिचय? ऐसे ही करता था थाना राज्य। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।